तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अभी ओला S1 प्रो में बैठा हुआ हूं, इसका मजा तो तभी आएगा जब ये बैटरी चार्ज रहेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि जब इसका बैटरी लो हो जाएगा तो ये गाड़ी को कहीं पे यूज नहीं कर पाएंगे और अगेन इसका बैटरी चार्ज होने में अच्छा खासा टाइम लगता है, तो उस केस में आपको ये गाड़ी कहीं ना कहीं निराश जरूर करेगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऐसा टिप्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिससे आप अपनी बैटरी को हेल्दी रख सकते हैं और अपनी बैटरी से ज्यादा तक का रेंज आप ले सकते हैं। मीन्स आप अपनी बैटरी को सिंगल चार्ज में अपने रेंज को बढ़ा सकते हैं और कैसे अपनी बैटरी को रिमेन मीन्स हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि डे बाय डे जैसे जैसे हम लोग यूज करते हैं, कुछ हमारी यूज की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, कुछ ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है, जिसके कारण हमारी बैटरी दिन पे दिन वीक हो जाती है। तो उससे अगेन जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो रेंज गिर जाती है गाड़ी का। तो अगेन हम लोगों को कहीं पे जहां प्लानिंग करेंगे, घूमने जाना होगा या कहीं पे भी, तो मुझे उतना सेटिस्फाई नहीं मिलेगा अगर इसका रेंज गिर जाएगा, क्योंकि अभी इसका रेंज है, कंपनी क्लेम करती है 120 से 140 नॉर्मल रेंज है। ठीक है, तो इतना में काफी सफिशियंट है कि आप एक दिन भर का अपना काम कर सकते हैं या फिर कहीं पे भी जा सकते हैं थोड़े बहुत जगह पे। बट अगर समझ लीजिए इसका रेंज 70-80 में आ जाए तो ये आपको 100% निराश जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज बेसिकली इसी चीज के बारे में टोटल डिस्कस करने वाले हैं। आज इसके कुछ हेल्दी टिप्स प्रोवाइड करने वाले कि कैसे आप अपनी बैटरी को हेल्दी रख सकते हैं और उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम रेंज तक आप निकाल सकते हैं गाड़ी को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने इस पे पहले भी वीडियो रिव्यू का डिटेल रिव्यू मैंने वीडियो बना चुका हूं, अगर आप लोगों को नहीं देखे हैं तो आप जाकर के मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके जरूर देखें, ताकि अगर आप लोग भी फ्यूचर में बाइक करने चाह रहे हैं, ओला S1 प्रो को लेना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगी, आपको पहले से सारे डिटेल्स पता चल जाएगा। इसके अलावा मैंने नेगेटिव पॉइंट्स में भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया कि इसका क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, अगर आप वो देख लें उसके बाद परचेस करें तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका सारा रिव्यू दे दिया है, अगर आप लोग नहीं देखे, मैं शॉर्टकट में एक छोटा छोटा रिव्यू दे देता हूं कि जैसे आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये ओला S1 प्रो मॉडल है, इसका S1 और S1 प्रो दोनों मॉडल आती है, जो कि तकरीबन आपको 157-158 के लगभग में मिल जाएगी, ऑन रोड के मैं बात कर रहा हूं, और एक से एक शोरूम 123-125 के आसपास मिलती है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल है और सबसे ज्यादा बिकने वाली ये कलर भी है जो जेट ब्लैक है। ये मेरे सामने कुछ इस टाइप की है, कंपनी ने इस पे हर एक चीज का ध्यान रखा, हर एक छोटे से छोटे चीज पे ध्यान दिया है। तो जैसे कि यहाँ पे आप हेडलाइट देख सकते हैं, यहाँ पे ट्विन LED लाइट का सेटअप दिया है, साथ में आप DRL दे सकते हैं, जो कि काफी रात में जो रेस्पॉन्स है वो काफी अच्छा दिखती है। तो उसके अलावा आप देख सकते हैं टायर वगैरह सारा अलॉय व्हील दिया हुआ, आगे और पीछे दोनों में डिस्क, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क है और साथ साथ रियर में भी डिस्क दिया हुआ, तो काफी अच्छा खूबसूरत पैकेज बनाया है कंपनी ने। तो मैं मोस्टली डिटेल रिव्यू मैंने बना चुका हूं, आप वहां पे जरूर जाके चेक कर ले अगर आप ओला S1 बाय करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जस्ट बताना चाह रहा था कि कैसे आप अपने बैटरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, इसमें कुछ इनबिल्ट फंक्शन दिया हुआ, अगर आप उसको यूज करेंगे तो आप अपने बैटरी के जो परफॉर्मेंस है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, मीन्स बैकअप को इंक्रीज कर सकते हैं, अल्टीमेट आप अपना रेंज भी इंक्रीज कर सकते हैं। और कैसे कुछ टिप्स मैं प्रोवाइड करने वाला कि कैसे आप अपने बैटरी को लाइफ लॉन्ग हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो हैबिट्स होता है गाड़ी चलाना, गाड़ी को मेंटेनेंस रखना, ये सबके बस की बात नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग को पता भी होता फिर भी वो नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, बहुत सारे लोग कुछ ऐसे ही यूजली गाड़ी को चलाते हैं, उनको थोड़ा भी समझ में नहीं आता कि कैसे उसको रखना। तो बेसिकली आज टोटल 100% में इसके बारे में आज टोटल डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप बैटरी को हेल्दी रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चार्जिंग, अब आप इसको चार्ज कैसे करें। ठीक है, सबसे पहला मैं स्टेप बताऊंगा आपको चार्जिंग, बहुत सारे लोग वहीं पे गलती करते हैं चार्जिंग में, क्योंकि चार्जिंग अगर आप बढ़िया तरीके से नहीं करेंगे तो बैटरी का आप हेल्थ जो है वो आप खराब कर देंगे। अब मैं बताता हूँ चार्जिंग आपको कैसे करना है। देखिए, जब आप डे 1 जब आपका गाड़ी डिलीवर हुआ, सपोज आज आपने गाड़ी ली, ठीक है, तो आज आपके गाड़ी जो भी मिला जैसे भी कंडीशन में मिला, सपोज आपका 70% या 80% या 90% जैसे भी कंडीशन में आपको गाड़ी मिला फर्स्ट चार्ज में, जो कंपनी चार्ज करके आपको दे रही है, अगर आप मॉर्निंग में गाड़ी ले रही हैं, ठीक है, मॉर्निंग में ले रहे हैं, आप उसको चला ले 10-5-20 किलोमीटर, जितना चला सकते हैं आप 10-5 किलोमीटर उसको अच्छे से चला के चेक वगैरह कर ले। इवनिंग में भी ले रहे हैं तो आप इवनिंग में भी चला ले, अच्छे से चेक कर ले। अब क्या करें, जब आप सोने लगे, बहुत सारे लोग नॉर्मल सोते सोते 11-12 तो बचता ही है, तो आप नाइट में चार्ज लगाएं, नाइट में चार्ज लगाएं और लगा के इसको छोड़ दें, ये नहीं कि 100% हो निकाल, नहीं बिल्कुल नहीं, आप उसको रात भर लगा के छोड़ दें 6-7 घंटे के लिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप 6-7 बजे उठते हैं तब आप इसको अनप्लग करें चार्ज। उस केस में क्या होगा, ये बैटरी
फुल चार्ज होने के साथ साथ इसमें सेल बैलेंसिंग भी होता है, वो सेल बैलेंस भी हो जाएगी। फर्स्ट टाइम आपको इतना चार्ज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फर्स्ट टाइम जब आप नई गाड़ी लेते हैं। तो याद रखिए, जब आप गाड़ी लें मॉर्निंग में लें तो और ज़्यादा बेहतर। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ का डिलीवरी लें, कोई भी गाड़ी हो, तो उसका इंस्पेक्शन ज़रूर करें। और इंस्पेक्शन कब होगा? जब आप मॉर्निंग में जाएंगे। मॉर्निंग में आपको हर एक चीज़ दिखेगा, ठीक है। नाइट में, इवनिंग में बहुत सारा डेंट वगैरह, बहुत सारा स्क्रैच वगैरह, बहुत सारा चीज़ इवन टूटा वगैरह, ये सारा चीज़ आपको नहीं दिखेगा। तो आप मॉर्निंग में जाएंगे, आप उसको अच्छे से चला भी लीजिए, चला के जो भी बैटरी रिमेनिंग बचेगा आप उसको थोड़ा बहुत चार्ज मत करें, ये 10% 5% या आधा घंटे के लिए चार्ज ऐसा बिल्कुल लेंगे फर्स्ट में जब लें। तो आप इसको घर ले आए आराम से, उसके बाद नाइट में लगा के छोड़ दें, फुल नाइट। अर्ली मॉर्निंग आप इसको प्लग आउट कर लें, प्लग से निकाल दें, उसके बाद आप इसको यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपका बैटरी मीन्स 50% से नीचे आ जाएगा, 40% 30%, तब आप चार्ज में लगाएं। ऐसा नहीं कि 70% है फिर से चार्ज में लगा दें, ठीक है, फिर से चार्ज में लगा दें, 90-100 करें फिर निकालें, ऐसा ना करें। जब आपका बैटरी 50 से अंदर आ जाए, 40% 35-40% आ जाए, तभी आप इसको चार्ज लगाना। ये नहीं कि 70% में फिर से चार्ज लगाओ, 100% कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपका बैटरी यहीं पे सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं, यहीं पे सारा लोग से प्रॉब्लम होता है, बैटरी का लाइफ यहीं से खराब होता है कि अभी चार्ज में तुरंत चार्ज लगाते तुरंत निकालते, ऐसा नहीं करना है आपको। जब इसका बैटरी का लेवल जो है परसेंटेज आपको 40 आ जाए या 40 से बिलो जाए, तब आप उसको चार्ज लगाना। और कितना लगाना है? 95 तक लगाना, 100 नहीं करना आपको फर्स्ट टाइम, बिल्कुल भी 100 नहीं करना। जो आप एक फर्स्ट टाइम में किए थे उसके बाद से आपको 100 नहीं करना, 95 तक लेकर छोड़ देना, 95 96 97 तक चलेगा, 100% आपको नहीं करना, ये आपको ऐसा करना है। और जब वीक में 7 दिन तक आपको ऐसा ही चार्ज में करना है, ठीक है। जब आपका वीक हो, हमेशा एक दिन जाकर सप्ताह में एक दिन आपको वैसा ही रात में चार्ज लगाना। आपको दिन भर यूज़ कर ले, कोशिश करें एकदम ड्रेन कर ले, 10% 15% 20% इतना तक ले आए। जब आपको पता है कि आज मुझे रात भर लगाना, तो आप इसको अच्छे से यूज़ कर ले, 10-15% में लगा के रात भर वैसे ही छोड़ दे, फिर अर्ली मॉर्निंग में निकाल दे। तो वीक में जब आप ऐसे फुल चार्ज करेंगे ना, साथ साथ सेल बैलेंसिंग भी हो, वो आपका बैटरी का लाइफ को इंक्रीज करेगा। ये है चार्जिंग का सबसे बेस्ट तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट तरीका है। वीक में आपको ऐसे फुल चार्ज देना है, अदरवाइज पर डे जो आपको चार्ज में लगाना है 95 तक लगाना है, उसके पहले निकाल लेना, आपको बंद कर देना। और कब लगाना है? जब 40 या 50 में हो जाए। हाँ, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि सपोज मुझे यहाँ पे जाना है और मुझे 100 किलोमीटर का रेंज चाहिए, बट मेरा गाड़ी 60% है, बट वहाँ से रिटर्न में नहीं आऊँगा, तो उस केस में आप चार्ज में लगा सकते हैं, फिर 90 प्लस कर करके छोड़ दें। बट ऐसा बराबर मत करें, जैसा अगर आपका यूज़ है इमरजेंसी तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा डेली लाइफ का आपका डेली का काम है तो ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। आप ऐसे तरीके से यूज चार्ज करें तो आपका बैटरी इंक्रीज रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या इनबिल्ट ऐसा फंक्शन दी है कंपनी ने, जिसके कारण आप इसको अच्छे तरीके से मैक्सिमाइज कर सकते हैं इसके रेंज को। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ और उसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ओला का S1 Pro का कुछ इस टाइप का स्क्रीन आती है, तो आपको सिंपली इसको अनलॉक करके आपको स्क्रॉल करना है। देखिए, यहाँ स्क्रॉल करते करते यहाँ पे आपको सेटिंग्स का आएगा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑल सेटिंग्स में जाना है। देखिए, यहाँ पे ऑल सेटिंग्स में ऐसे टाइप करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज दी हुई। यहाँ पे देखिए राइडिंग, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ राइडिंग जो न्यू करके, इसको आपको ऐसे टच करना है। अब यहाँ पे देखिए रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, यहाँ पे कंपनी एक बहुत अच्छी चीज प्रोवाइड किया इसमें, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। तो फ्रेंड्स, अब ये रीजेनरेटिव ब्रेकिंग होता क्या है, मैं आपको सिंपल से वर्ड में बताता हूँ कि रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, जब आप ब्रेक यूज करेंगे, इसमें एक मैकेनिज्म दी जाती है कि जितना आप ब्रेक यूज करेंगे उतना ज्यादा गाड़ी को वो चार्ज करेगा, या फिर आप जैसे एक्सीलेटर को छोड़ेंगे तो वो गाड़ी को चार्ज करेगा। आपको ब्रेक लगाएगा इंजन, और उस ब्रेकिंग जो ब्रेक लगाने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो बैटरी में जाएगा। तो ये काफी अच्छा मैकेनिज्म है, ये बेसिकली कार में फोर व्हीलर में यूज हो रहा है काफी पहले से, ये स्कूटी में बाद में आया गया, बट ये टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा है, ये टेक्नोलॉजी कार में इवन बहुत सालों से यूज होते आ रहा है। इससे आपका रेंज कुछ बढ़ जाएगा और बैटरी चार्ज भी होगा। ये बेसिकली बहुत सारे जो हाइब्रिड स्मार्ट हाइब्रिड जो सिस्टम आती है, वो फुली हाइब्रिड नहीं, जो स्मार्ट हाइब्रिड जैसे आप सियाज वगैरह में या फिर अर्टिगा वगैरह में देखे होंगे, जो पैसेंजर साइड सीट होती है फ्रंट के, उसके नीचे एक छोटा सा लिथियम बैटरी दी जाती है। बेसिकली उसी चीज के लिए दी जाती है कि वो लिथियम बैटरी चार्ज होता है, और जब चार्ज हो जाएगा तो 2-3 किलोमीटर का रेंज वो पेट्रोल के साथ साथ वो बैटरी से भी निकल जाता है। तो बेसिकली जो पेट्रोल का जो एवरेज होता है, जो रेंज होता है सपोज 12 किलोमीटर का, तो इसके कारण वो 15 चला जाता है, तो 15 का एवरेज हो जाती है, तो 2-3 का एवरेज वो निकाल देती है जब वो फुल चार्ज होती है। तो वो फुल चार्ज कब होगी? जितना ज्यादा ब्रेक लगाएंगे, वो ब्रेक से जो एनर्जी निकलेगा वो एनर्जी को वहां ट्रांसफर कर देता है, वही हो गया रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पे आपको फिर से दिखाता हूँ कि वो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग को कैसे यूज करना है और क्या है फंक्शन, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगेन आपको वैसे सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे देखिए राइडिंग है, यहाँ पे राइडिंग में जाना है,
और यहाँ पे राइडिंग में आ गया। यहाँ पे देखिए रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, चार्ज द स्कूटर बैटरी वाइल स्लोइंग डाउन टू गेट मोर रेंज। जब आपका गाड़ी स्लो होगा तो वो चार्ज होगा बैटरी को, ठीक है। ट्विस्ट द थ्रोटल इन रिवर्स टू गेट फोर्स रीजेन और जस्ट टू रिलीज द थ्रोटल टू ग्रेजुअली स्लो डाउन। अभी देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो तरीके से इसने डिस्क्राइब किया है कि रीजेनरेटिव ब्रेकिंग को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। पहला कि जब गाड़ी को हमको रोकना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको इसको रीजन मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है। जैसे आप एक्सीलेटर लेते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन से घुमाते हैं, आपको जस्ट इसको अपोजिट घुमाना है। ये देखिए ये अपोजिट होता है, ये अपोजिट आप जब रिवर्स लगाते हैं उस समय भी यूज करते हैं हम लोग, जैसे सेम आपको वैसे ही करना है गाड़ी को रोकते वक्त। बट मैं एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेंट भी होगा, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कभी कभी बार ये ऐसे उल्टा घुमाने से रीजेनरेटिव ब्रेकिंग नहीं लगती है, ब्रेकिंग नहीं लगती है। तो वो मैं आपको बताता हूँ, ये ब्रेकिंग तब यूज होती है जब आप 5 से 6-7 किलोमीटर गाड़ी को चला लेते हैं। इनिशियल से नहीं होगा, मीन्स अभी गाड़ी स्टार्ट की अभी से उल्टा घुमाएंगे ब्रेक लगने लग जाए चार्ज होने लगे ऐसा नहीं होता है। आप 5 से 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर जब आपका रनिंग हो जाता कंटिन्यूअस तब आप इसको रीजेनरेटिव ब्रेकिंग यूज कर सकते हैं। तब आपका ब्रेक लगेगा, आपको वहां पे ग्रीन कलर का शो होगा, लिखाएगा कुछ नहीं, आपको कुछ भी मैसेज नहीं आएगा, बट यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वहाँ पे ग्रीन कलर का शो होगा जैसे आप उल्टा घुमाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला पोजीशन कि आपको पहला जो स्टेप है आपको रीजेनरेटिव ब्रेकिंग लेना है। फ्रेंड्स ये एक बहुत अच्छी चीज है, जब आप इसको यूज करने लगेंगे ना तो आप ब्रेक यूज करना ही भूल जाएंगे। बहुत अच्छा तरीका है, देखिए ब्रेक यूज जितना बार आप यूज करेंगे, ठीक है, उतना आपका ब्रेक पैड डिस्क पैड वगैरह सब कुछ घिसेगा। बट जैसे ही आप रीजेनरेशन ब्रेकिंग करेंगे यूज ना बार बार, आपका सेम ब्रेकिंग का जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ब्रेक दबा रहे हैं क्या कर रहे हैं, आपका ब्रेक भी लग जाएगा और साथ साथ आपका बैटरी भी चार्ज होगा। तो ये बहुत अच्छा है और एक ही हाथ से सारा कुछ हो जाएगा। देखिए आप यहाँ से एक्सीलेटर भी ले रहे छोड़ दिए, अब उल्टा घुमा रहे तो आपका ब्रेक भी लग रहा है और गाड़ी चार्ज भी होगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। सेकंड जो स्टेप बताया, या फिर आप इसको गाड़ी को जब आपको रीजनरेशन करना है जैसे कहीं स्पीड में जा रहे हैं, ठीक है, कहीं पे डाउन आ गया स्लोप आ गया तो वहां पे आप छोड़ दें एक्सीलेटर तो गाड़ी ऑटोमेटिक वो स्लो होते रहेगा धीरे धीरे करके और बैटरी भी चार्ज होगा। आपको कुछ नहीं करना, ना ब्रेक दबाना, ना एक्सीलेटर लेना, ना कुछ भी नहीं करना, बस आपको एक्सीलेटर छोड़ देना, वो नॉर्मली क्या होगा कि बैटरी को चार्ज करते रहेगा और थोड़ा थोड़ा करके स्लो हो जाएगा। अब वहां पे यहां पे 3 सेटिंग दिया हुआ कि उस चीज को आपको कैसे यूज करना है वो अपने राइट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो वो मैं बेसिकली आपको यहां पे मैं दिखा देता हूं। तो बेसिकली देखिए वहां पे अगेन ऑल सेटिंग्स में जाना है आपको, यहाँ पे राइडिंग में जाना है। तो जो चीज मैं आपको बता रहा था, देखिए यहाँ पे 2 चीज दिया हुआ, लो डिफॉल्ट और हाई। यहाँ पे स्कूटर स्लोस डाउन ग्रेजुअली ऑन रिलीजिंग द थ्रोटल टू प्रोवाइड मिनिमम रीजनरेशन। इस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे धीरे धीरे स्लो होगा, अगर आप कहीं पे स्लोप पे जाएंगे तो धीरे धीरे स्लो होगा तो उससे लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको मिनिमम रीजनरेशन, ब्रेकिंग का ज्यादा चार्ज नहीं होगा, ठीक है। बट डिफॉल्ट में रहेगा तो स्कूटर क्विक डाउन होगा, मतलब एक सर्टिफाइज रहेगा क्विक, जल्दी से स्लो हो जाएगा और इंक्रीज कर देगा, मीन रीजनरेशन को इंक्रीज कर देगा ताकि बैटरी को ज्यादा चार्ज करे, जल्दी चार्ज करे। और या जैसे आप हाई में जाते हैं तो स्कूटर स्लोस मच क्विकर, बहुत ज्यादा जल्दी से वो धीरे होने लगेगा, मीन्स आपका स्पीड को धीरे 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 कम करने लगेगा बहुत ज्यादा फास्ट से, और आपका जो रीजनरेशन है ब्रेकिंग का उसको मैक्सिमाइज कर देगा। तो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने गाड़ी पे कैसे सेटिंग करेंगे। बहुत सारे लोग जैसे एक्सीलेटर को छोड़ेंगे तुरंत स्लो होने लगेगा, बहुत सारे लोगों को चाहिए नहीं धीरे धीरे स्लो, बहुत सारे चाहिएगा नहीं मुझे स्लो नहीं चाहिए ऐसा ही छोड़ दे गाड़ी फ्री ले। तो आपको लो में करना है, अगर नॉर्मल रखना है तो डिफॉल्ट में रखना है, और हाई करना तो बहुत ज्यादा जल्दी क्विक हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके सेटिंग्स पे डिपेंड करता है कि आपको करना कैसा है। तीनों सेटिंग्स में बहुत सबसे अच्छा है कि आप गाड़ी को डिफॉल्ट में रखें, डिफॉल्ट में रखने से गाड़ी नॉर्मल में भी चलेगी और आपका धीरे धीरे बैटरी भी चार्ज होगा। तो बेसिकली ये बहुत ही अच्छा चीज दिया है जो ओला ने इसमें प्रोवाइड किया है, ये 4-व्हीलर के बेसिकली फीचर्स है जो ओला ने दिए। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है बट ये बहुत अच्छा तरीका, अगर आप इसको यूज करने लग जाएंगे तो आप ब्रेकिंग को छोड़ देंगे, आप रीजनरेशन से यूज करके ब्रेकिंग लगाएंगे गाड़ी में। तो फ्रेंड्स एक गाड़ी को अच्छे तरीके से मेंटेनेंस में रखना वो आपकी और हमारी जिम्मेवारी बिल्कुल होती है, क्योंकि कंपनी कोई भी एक प्रोडक्ट बनाती है तो वो एक नॉर्मल यूसेज के हिसाब से बनाती है। बट जितना ज़्यादा आप उसको मेंटेनेंस में रखेंगे, जितना ज़्यादा मेंटेन रखेंगे उसका गाड़ी का लाइफ लॉन्ग बढ़ जाता है। आप देखे होंगे आप कि हम लोग में से बहुत सारी लोकेलिटी में ऐसे भी गाड़ी आपको मिलेगी कि जो बहुत ज़्यादा पुरानी है, 20 साल 25 साल 30 साल से भी लोग उसको संभाल के रख रहे हैं, अभी भी आप देखेंगे तो उसको नए के जैसे आपको लगेगा। बट हमारी लोकेलिटी में बहुत सारे ऐसे भी गाड़ी मिलेंगे कि अभी 3 महीना 4 महीना 6 महीने भी ही हो रहा है और उस गाड़ी का ऐसा हाल बना कर रखा। तो फ्रेंड्स ये टोटली डिपेंड करता है हम लोगों पे कि हम लोग कितने ज़्यादा उसको मेंटेनेंस में रखते हैं, कितना ज़्यादा केयर करते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने गाड़ी पे कोई भी मशीन पे केयर करेंगे, मेंटेन में रखेंगे उसको, तो उतना ज़्यादा उसका लाइफ लॉन्ग बढ़ जाता है, उतना ज़्यादा उसका खर्चा कम हो जाता है, उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे सिंपल कमेंट करें, मैं वहाँ पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा।
और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड्स आज के इतना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए।